और कहा उनके बच्चे हुए, फिर उनके पोते हुए। परीक्षित जी ने कहा, महाराज प्रियव्रत जी जो निवृत्ति मार्ग का अनुगमन कर रहे थे वो प्रवृत्ति में कैसे आ गए? जब बचपन से ही भगवत भजन में लग गए फिर उन्होंने घर क्यों बसाया, उन्होंने विवाह क्यों किया? प्रियव्रतो भागवतो आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधः पराभव। नाथ ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी ने कहा, राजन ये प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये गृहस्थी और सन्यास, वैराग, ये तो प्रियव्रत जैसे महापुरुषों के सामान्य बात है। क्यों? जिसका मन पक्का है वो जंगल में रहे, चाहे घर में रहे, कहीं भी रहे। आप देखो कुंभ का मेला है और बड़े से बड़े तपस्वी कुंभ मेले में उपस्थित होते हैं अपनी अपनी साधना के लिए, और चारों तरफ आप देखो, चारों तरफ शोर हो रहा है, कहीं कीर्तन, कहीं कथा, कहीं रासलीला, कहीं वेद का पाठ हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है। परंतु उनकी समाधि लगी हुई है, उनकी साधना चल रही है। हमको और आपको भजन करना हो, बगल से आवाज कान में आ जाए तो डिस्टर्ब होता है, पर जिन महापुरुषों का मन इतना परिपक्व है उन्हें बाहरी वृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति ये मन का विषय है। सारा खेल मन का है। मन ही मिलावे राम सो मन ही कराए फजीत, मन के हारे हार है मन के जीते जी। मन जिनका पक्का है वो कहीं भी रहे। दो पद्धतियां हैं, अकेले में मेला और मेले में अकेला। सेठ जी कौन सी बात अच्छी है, मेले में अकेला या अकेले में मेला? मेले में अकेला, मेले में अकेला यानी संसार में रहेंगे, सबके बीच में रहेंगे, परंतु संसार के होके नहीं रहेंगे। ऐ दुनिया, संत समाज में सिस्टम है ना, आओ तो बेल कम, जाओ तो भीड़ कम, कोई इंतजार नहीं करता। मेले में अकेला, संसार में रहते हुए और भगवान के चरणों में समर्पण हो। और एक पद्धति है अकेले में मेला, संसार से अन्यत्र कहीं चले गए एकांत में, पर मन कच्चा है तो वहां पर भी मेला शुरू हो जाएगा। बाहर वाला नहीं, अंदर चलेगा। जैसे बहुत से लोग तीर्थ में आ जाते हैं, अपना कुटिया बना लिए छोटी छोटी कल्पवास के लिए, पर वो बैठ करके जिनका मन कच्चा है उनको घर याद आने लगता है। अभी पोती ट्यूशन से आने वाली होगी, अभी बेटा दुकान जाने वाला होगा, आज कितने का माल
सेल हुआ होगा, है तो अकेले में साधन करने के लिए, पर वो अंदर अंदर मेला चल रहा है। नाव पानी में चलती है, नाव पानी के ऊपर चलती है, परंतु यदि नाव में पानी आ गया तो डूब जाती है। आप संसार में रहें, रहना पड़ेगा, पर संसार आपके अंदर जब रहने लगेगा तब तो डूबना ही डूबना है। इसलिए पद्म पत्र में माम बस, जैसे कमल के पत्र पर जल नहीं टिकता, ऐसे ही इस भाव से संसार में निलिप्त भाव से रहना चाहिए, तब जीवन का कल्याण संभव है, तब सुमिरन होगा, तब भजन होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये सारे साधन मन की परिपक्वता के लिए है। मन से भगवान पे आसक्ति हो, व्यवहार संसार से जैसे संतों का जीवन होता है, मन ठाकुर के चरणों में समर्पण है। पर आइए, बैठिए, रुकिए, भोजन करिए, पानी, सबके साथ व्यवहार है, पर प्रेम केवल ईश्वर के साथ में। करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधान। प्रेमवत जी ऐसे महापुरुष थे जिनका मन इतना परिपक्व था, उनके लिए कहां जंगल, कहां गृहस्थी, कहां विरक्ति। उन्हीं के वंश में अग्नित के पूर्वजित अप्सरा से 9 पुत्रों का जन्म हुआ। अग्नित के पुत्र नाभि के राजभवन में भगवान ऋषभदेव का अवतार हुआ, जो जैन संप्रदाय के आदि तीर्थंकर माने जाते हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र हुए, पर धृतराष्ट्र के पुत्रों का कोई नाम नहीं रखता, पर ऋषभदेव जी के जो 100 पुत्र थे उनमें से जो बड़े वाले थे जिनका नाम था भरत, उन्हीं ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। पहले इस देश का नाम अजनाभवर्ष था। ऐसे महापुरुष पुत्र इतने प्रभावशाली कैसे हुए? 9 योगेश्वर हुए, ऐसे प्रभावशाली कैसे हुए? तो ऋषभदेव जी की जो दिनचर्या है उसको पढ़ना पड़ेगा। ऋषभदेव जी की दिनचर्या थी, उस दिनचर्या में सारे कामकाज करने के बाद अपने 100 बेटों को एक साथ बिठाल करके भगवत धर्म का उपदेश करते थे। बेटा नायम देहो देह भाजा कष्टान कामान रघते बिन भुजा तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम्। बेटा नायम देहो देह भाजाम लोके, ये जो शरीर है ना ये बार बार नहीं मिलने वाला, बार बार मानुष तन पाना बच्चों बाला खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का जब तक होता मेल नहीं। बेटा ये मानव तन जो मिला है ये बार बार नहीं मिलेगा,
ये मानव तन मिला है जो अमूल्य है, इसलिए अमूल्य वस्तु प्राप्त करना इसका लक्ष्य होना चाहिए। संसार की हम नास्तिक वस्तुओं को प्राप्त करने में लगे रहते हैं जिनका मूल्य है। ये इस तन की सार्थकता नहीं है, इस तन की सार्थकता है कि जो अमूल्य वस्तु है, और संसार में अमूल्य क्या है? परमात्मा, महात्मा, इनकी प्राप्ति हो जाए इस तन से, तब इस तन की शोभा है। ये मानव जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी। मानव जन्म अनमोल रे, संग में जाया कर, गीत भूखे गाया कर, तो सत्संग में जाया कर, गीत भूखे गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत भूखे गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत भूखे सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर, नहीं लगता कुछ हो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है इसका नहीं इतबारी है, मतलब का संसार है इसका नहीं इतबार है, संभल संभल के कदमे रखो भूल नहीं अंगार है, संभल संभल के कर जोश जवानी का, तो बुल बुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का, नेक कमाई कर ले रे भाई पता नहीं जिंदगानी का, नेक कमाई कर ले रे भाई पता नहीं जिंदगानी का,
मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभोल रे, माटी में ना रोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बेटा कूकर सूकर करत है विषयन को भोग, तुलसी व्यथा न खोइए ये तन भजबे जो, भजन ऐसा है जो मानव कर सकता है, आंख नाक कान मुख हाथ पैर सब सामान्य है, कुत्ते के भी दो आंख है कान है मुख है, वो भी सोता है वो भी खाता है वो भी बच्चा पैदा करता है और वो भी मर जाता है। यदि यही काम हमारे साथ हमारे पास भी है तो उस कुत्ते में और हम में क्या अंतर है? कौन सा प्रमाण पत्र हमारे पास है कि हम मनुष्य हैं? एक भगवान का भजन है, जो भजन कुत्ता नहीं कर सकता, गधा नहीं कर सकता, वो मात्र मनुष्य कर सकता है। जिसका भजनमय जीवन है वो मनुष्य है। देखो भैया, संसार में कोई फैक्ट्री वाला कोई वस्तु बनाता है, कोई मोबाइल बनाता है, कोई घड़ी बनाता है, कोई स्कूटर बनाता है, कोई गाड़ी बनाता है, तो जब वो मार्केट में अपनी मार्केटिंग करता है तो वो घड़ी वाला घड़ी के साथ में एक कागज देता है, दवाई वाला दवाई के साथ एक कागज देता है, गाड़ी वाला गाड़ी के साथ एक डायरी देता है, उसमें प्रत्येक उसके सिस्टम के फंक्शन लिखे होते हैं, किसको कैसे अपडेट करना है कैसे चलाना है। तो क्या परमात्मा ने अपनी इस संसार रूपी फैक्ट्री से ये जो मटेरियल निकाला है और जब इस मटेरियल की मार्केटिंग की होगी तो क्या परमात्मा ने डायरी नहीं दी होगी कि आंख से क्या देखना है, कान से क्या सुनना है, हाथ से क्या करना है, पैर से कहां जाना है, शीश से क्या करना है? जी हां, वो डायरी परमात्मा ने दी है और उसी डायरी का नाम श्रीमद् भागवत है, उसी डायरी का नाम वेद है, उसी डायरी का नाम पुराण है। इस डायरी में लिखा है कि आंख से क्या देखना है, मानव मात्र भगवान का सुमिरन कर सकता है। इसलिए मन को बार बार समझाओ कि रे मना हरि सुमिरन कर लीजे, अरे मन खा खा करके बहुत मोटा हो चुका है तू, रे मन हरि सुमिरन कर ली, ऋषभ देव जी ने बड़ा अद्भुत उपदेश दिया, साथ में सिद्धांत समझाया
कि तप तो करना है, जप तो करना है, भजन तो करना है, स्मरण तो करना है, ध्यान भी करना है, पर इस काम में यदि कोई बाधा उत्पन्न करे तो उसका परित्याग करने में देर नहीं करना है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात् नमो चये समुपेत मृत। गुरु गुरु नहीं है जो भगवान के भजन में बाधा उत्पन्न करे, जो कहे ये नाम ले और नाम लेने के बाद गंगा नहीं नहाना, संतों को प्रणाम नहीं करना, मंदिर में नहीं जाना क्योंकि तूने नाम ले रखा है। आज समाज में बड़ी विलक्षण स्थितियां हैं, नाम दान की तो बड़ी महिमा है, होना चाहिए, परंतु पता नहीं वो नाम किसका है जो गंगा स्नान त्रिवेणी संगम स्नान करने से मना करता है। अरे सदगुरु की तो भूमिका है, गुरु वही जो भजन करावे। क्या हो सकता थी यहां ठंडी में, आश्रम बने हुए हैं, सेवाएं चल रही हैं, यहां क्या हो सकता थी, पर यह सदगुरु का कार्य है कि अपने अनुयायियों के द्वारा भजन करा दे। साधन है, कथा हो रही है, पूरे महीने चलेगी, त्रिवेणी स्नान करो, यज्ञ करो और बैठ के कथा सुनो, संतों की सेवा करो। गुरु वही जो भजन करावे। गुरुदेव बार बार बुलाते हैं, बेटा अभी आया नहीं, प्रयागराज आना है, आना है। जबरदस्ती जो भजन करा दे, जबरदस्ती जो सेवा करा दे। गुरु वही जो भजन करावे, गुरु वही जो संत सेवावे। बेटा संतों के लिए सर्दी का सीजन है, कंबल लेके आना है, स्वेटर लेकर आना है, सॉल लेकर के आना है, संतों को दक्षिणा बांटनी है, भोजन कराना है, भंडारा देना है। गुरु वही जो विपिन बसावे, इन कथनी बिन गुरु न कहा। जो कहे तुमने नाम ले रखा है गंगा नहीं नहाना, ऐसे गुरुओं से सावधान हो जाना, मत पड़ो चक्कर में, नहीं तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। वही पंक्ति याद आती है, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। एक का हो के रहने में इज्जत भी है, एक का हो के रहने में अजमत भी है, एक ही आसियाने पर सर झुक गया तो दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। ऐसे सदगुरुओं से सावधान रहना चाहिए। पता नहीं कौन सा नाम है वो, यदि वो गुरु भगवान के भजन में, ध्यान में, उपासना में, साधन में बाधा उत्पन्न करता है तो
ऐसे गुरु का त्याग करने में कोई दोष नहीं लगता। डर नहीं जाना। किसी ने त्यागा? जी हां, बलि गुरु तजो। राजा बलि ने अपने गुरुदेव का परित्याग कर दिया। क्यों? क्यों? परमात्मा से अलग कर रहे थे। यज्ञ कर ले, साक्षात नारायण जो यज्ञ जिनका स्वरूप है वो प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। अब जब साध्य मिल गया तो साधन की क्या जरूरत है? तजउ पिता प्रहलाद। प्रहलाद ने बाप को छोड़ दिया क्योंकि भगवान के भजन में बाधा उत्पन्न कर रहा। तजउ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। विभीषण ने भाई का परित्याग कर दिया। भरत महतारी। भरत ने मां का परित्याग कर दिया कि जो मां राम का और मेरा वियोग करा सकती है वो मां नहीं हो सकती।